जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज डे फर्स्ट था ट्रैवल का, निकले इस्लामाबाद के लिए क्योंकि इस्लामाबाद से फ़्लाइट थी और सेलेक्ट किया मैंने फर्स्ट मूवर्स बिज़नेस क्लास को। रास्ते में थे तो पता चला कि जी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। ट्रैवल एजेंसी से बात की, उन्होंने कहा आप अपना सफ़र कंटिन्यू रखें, होपफुली फ़्लाइट जो है वो डिले ज़रूर होगी लेकिन फ़्लाइट जाएगी। तो बस इसी होप के साथ इस्लामाबाद के लिए सफ़र जारी रखा। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश थी रस्ते में। इस्लामाबाद पहुँचे, चेक इन किया तो पता चला कि जी फ़्लाइट जिस पे हमने जाना था, जो कि 3 बजे स्केड्यूल थी इस्लामाबाद से, वो भी दुबई से ही नहीं आई क्योंकि उन दोनों दुबई जो था वो काफ़ी बारिशें हुई थी और सूरत हाल बड़ी ख़राब थी। तो ये सारे लोग फेलोज़ हैं, वेट कर रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर और दुआ ये कर रहे हैं कि अल्लाह करे फ़्लाइट वहाँ से आ जाए। अगर आ जाए तो एटलीस्ट ये कम से कम होप होगी कि जाएगी लाजमी, अदरवाइज़ सारा जो प्लान है वो सारे का सारा ख़राब हो जाएगा। तो वेट करते करते टाइम गुजरा और अल्लाह अल्लाह करके पता चला कि जी फ़्लाइट एटलीस्ट चल पड़ी है जी। तो बोर्डिंग शुरू होगी, बोर्डिंग शुरू होने के बाद इमिग्रेशन काउंटर्स पे आए और इमिग्रेशन पे देख रहे हैं माशाल्लाह सारे के सारे लोग ही पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। लंबी लंबी लाइन्स, क्यों इमिग्रेशन हुई, CIP लॉन्ज में पहुँचे, कॉफ़ी पी और फिर शुरू हुआ बोर्डिंग। बिस्मिल्लाह करके बोर्डिंग की इस होप के साथ के अल्लाह करे दुबई में सब फाइन रहे और आगे तक इस तरह का कोई इशू ना आए। फाइनल कॉल पे पहुँचे बोर्डिंग के लिए और ये जी हम फिर अल्लाह अल्लाह करके एमिरेट्स का जो जहाज़ है उसको देख के लगा कि नहीं जी ये टूर जो है वो इंशाल्लाह चलेगा, प्रोग्राम अभी जो है वो जारी रहेगा। तो एमिरेट्स पे पहुँचे, सीट्स अपनी ली, सामान जो है उसको रखा साइड पे और फुल इस वक्त जो था ना तकरीबन 12 घंटे टाइम हो गया था ट्रैवलिंग करते हुए, तो नींद बहुत आ रही थी, बस स्लीप का फुल मूड बना। इंशाल्लाह पहुँचते हैं दुबई और दुबई पहुँच के जो है ना आपको अपडेट करते हैं नेक्स्ट सूरत हाल के बारे में कि दुबई से आगे सफ़र कैसा रहा। थैंक यू।